नमस्कार आदाब भाई, रूबरू कहते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि इन दिनों नगर निकाय चुनाव चल रहा है और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर आदर्श आचार संहिता भी लागू है और आदर्श आचार संहिता के बाद अंतर जनपदीय व अंतर जनपदीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में बहुत बड़ी आज पुलिस को सफलता लगी है। 2,08,86,500 रुपये का कैश बरामद किया है। एक कार से इतनी बड़ी रकम मिलना और साथ ही साथ सोना भी मिलना, एक बड़ी कहीं ना कहीं इस परंपरा पर सवालिया निशान लगा रही है। जितने भी लाख चेकिंग होने के बावजूद एक कार से इतनी बड़ी रकम कहीं ना कहीं जता रही है, बता रही है कि आज भी नगर निकाय चुनाव में या दूसरे चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका या किसी ना किसी रूप में वोटर्स को रिझाने का काम जोरों पर चल रहा है। हालांकि ये शिकायतें और ये ऐसे समाचार सूत्र बता रहे हैं कि कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कोई भी प्रत्याशी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसे सहारे ना ले रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में अंदर भी आज I-20 कार से जब्त की गई है 96 ग्राम सोना और 2,08,86,500 रुपये का कैश। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर हैं सत्यनारायण प्रजापत, उनके निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी खतौली डॉक्टर रविशंकर के नेतृत्व में आज FST टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, जो कि उड़न दस्ता दल बनाए गए हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। बंगेला चेकिंग पोस्ट पर उनको एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। चेकिंग के दौरान एक I-20 कार से 2,08,86,500 रुपये की नकदी और 96 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। FST टीम द्वारा बंगेला चौकी पर जब संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही, तो इसी दौरान इस जो I-20 कार जिसका नंबर UK 04-37-18 है, चेकिंग के लिए इसे रोका गया। बताया जा रहा है कि कार को शशांक शर्मा पुत्र अरुण कुमार शर्मा निवासी 61 चाणक्यपुरी थाना नौचंदी जनपद मेरठ चला रहा था। तलाशी लेने पर कार से 2,08,86,500 रुपये नकदी और 96 ग्राम सोना बरामद करने का पुलिस ने, उड़न दस्ते ने दावा किया है। पूछताछ करने पर बताया गया कि शशांक उपरोक्त व्यापारी है जो मेरठ से ही आ रहा था। बरामदी के संबंध में वह कोई जानकारी नहीं दे सका है और न ही उसके पास कोई वैध दस्तावेज मिले हैं। सूचना से तत्काल आयकर विभाग, बैंक, स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। टीम मौके पर पहुंची है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खतौली द्वारा कैश की गणना की गई। आयकर विभाग की टीम द्वारा शशांक उपरोक्त से पूछताछ की जा रही है। बरामद माल को FST टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है और ट्रेजरी में जमा कराया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और आयकर विभाग की टीम द्वारा आवश्यक अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी रकम एक कार के अंदर से बरामद होना, यद्यपि अभी तक यह नहीं पता चला है कि इस रकम का कहां पर उपयोग होना था, कहां इस्तेमाल होना था, ये तो अब आने वाले वक्त में ही जो प्रेस नोट जारी होगा वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। लेकिन अभी ये साफ हो गया है कि इतनी बड़ी रकम एक कार से मिली है, जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा पुलिस की यद्यपि पूरी तरह से निगाहें लगी हुई है प्रत्याशियों के कारगुजारी पर, लेकिन पता चल रहा है कि गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए साम दम दंड भेदभाव सभी का सहारा लेंगे, ऐसी चर्चाएं आम हो रही हैं। बहरहाल लगातार चुनाव पर मेरे साथ आप बने हुए हैं बड़ी कवरेज के लिए। आज रात को फिर से देखिएगा किसी बड़े कैंडिडेट की विशेष खबर। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ चीचमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ मुजफ्फरनगर।